हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए आटे से बने पिज्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आएंगे। अगर यह रेसिपी पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पिज्ज़ा बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी आटा, 2 बड़े चम्मच दही, 1 बड़ा चम्मच देसी घी, 1 बड़ा चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच सोडा, 1 कटोरी दूध, 2 बड़ा चम्मच मैदा। पिज्ज़ा डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ स्लाइस की हुई प्याज, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, काली मिर्च, मशरूम, चिली फ्लेक्स। चटनी बनाने के लिए मैंने 2 लाल टमाटर, 1 मिर्च, कुछ लहसुन की कलियाँ, 1/2 प्याज, अदरक, स्टीम के लिए नमक। चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले आटे में चीनी, सोडा, दही डालकर डो तैयार करेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे का डो तैयार करना है। अब इसमें हम घी ऐड करेंगे। घी डालने से आटे सॉफ्ट हो जाते हैं और इसका डो बहुत बढ़िया से तैयार होता है। अब इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। बीच बीच में आटे को सॉफ्ट करते रहना है। अब हम चटनी तैयार करेंगे। इसमें हम प्याज, हरी मिर्च, कुछ लहसुन की कलियाँ और टमाटर डालकर ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, हमारी चटनी ऐसे ग्राइंड हुई है। अब गैस को ऑन करके उसमें सरसों का तेल गरम करेंगे और उसमें ग्राइंड की हुई चटनी डाल देंगे और 10 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे। 10 मिनट पकाने के बाद नमक डालकर चलाएंगे ताकि नमक चटनी में अच्छी तरह मिल जाए। अब हमारी चटनी पक गई है और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। आइए चीज़ बनाते हैं। फिर दोबारा गैस ऑन करके कढ़ाई में घी को गरम करेंगे। उसमें मैदा डालकर मीडियम आंच पर 1 मिनट भूनेंगे। इसे हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ इसके कच्चेपन को हटाना है। मैदा हमारा भून चुका है, इसमें दूध डालकर चलाते हुए हमें चीज़ तैयार करनी है। अब इसमें पानी डालकर सॉफ्ट करना है। आपको इसी तरह चलाते हुए सॉफ्ट करना है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे और फिर से सॉफ्ट करेंगे। अगर आपके लंग्स ना सॉफ्ट हों तो आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया हमारा चीज़ बन के तैयार हुआ है, देख सकते हैं आप। अब इसे हम 1 कटोरी में निकाल लेंगे। आइए आटे के डो को देख लेते हैं, सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। देखिए आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, इसमें से चीनी भी गल चुकी है। इसी तरह आपको डो तैयार करना है। हमारे आटे की 2 लोई बनी हुई है। अब हम लोई को आटा लगाकर गोल शेप में बेल लेंगे। ये देखिए, हमें इसी तरह बेलना है, न मोटा न पतला, और इसे फॉर्क की सहायता से इसमें छोटे छोटे होल्स करना है ताकि हमारा पिज्जा अंदर से भी बढ़िया तरीके से पक जाए। 1 प्लेट लेंगे, उसमें घी लगा देंगे ताकि हमारा पिज्ज़ा चिपके ना। प्लेट में रखने के बाद उसमें हम जो चटनी हमने बनाई थी उसको लगाएंगे। चटनी हमारी अच्छे से लग गई है। अब इसमें हम चीज़ लगाएंगे जो हमने बनाया हुआ था। चीज़ भी अच्छे से लग गया है। अब इसे हम सब्जियों से सजाएंगे। आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो आप उससे सजा सकते हैं। मेरे पास यही सब सब्जियां थी तो मैंने इसी से डेकोरेट कर दिया है। आपके पास टमाटर हो, शिमला मिर्च, जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल हो आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसमें हम स्वीट कॉर्न डाल देंगे। इसमें मैंने सब्जियों के अलावा काले मिर्च का पाउडर, चिली फ्लेक्स डाला हुआ है। ये देखिए हमारा पिज्ज़ा अब एकदम रेडी हो गया है। गैस को ऑन करके मीडियम आंच पर कढ़ाई में नमक डालकर फैला देंगे और उस पर 1 कटोरी रख देंगे।
फिर उसके ऊपर पिज्ज़ा वाली प्लेट को रख देंगे और 30 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर देंगे ताकि स्टीम से पिज्ज़ा हमारा पक जाए। तीस मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारा पिज्ज़ा कितने बढ़िया से स्टीम हुआ है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा घर के ही चीज़ों से बना हुआ पिज्ज़ा रेडी हो गया है। आप इसे अपने फैमिली के साथ सर्व करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और